तो दगड़ियों ये चेक करें गाइस, आप ये चेक करें हमारी बाइक कहाँ पे लगी हुई है। और ये देखो भाई, ये है अपना कनाताल। देखो पूरा नीचे तक अपना बुग्याल है, वहाँ वहाँ तक देखो पूरा कोने कोने तक फैला हुआ है। यहाँ पे होती है जंगल सफारी। ये तो परफेक्ट जगह है ऑफ रोडिंग करने के लिए। हम लोग आगे चले जा रहे हैं, कितना पतला हो गया रास्ता, यहाँ से तो बाइक भी नहीं मुड़ पाई है हमारी। वहाँ पे नीचे ना मतलब खाई में एकदम वहाँ पे एक पतली सी पगडंडी है, वहाँ पे ना बारात जा रही है। ये देखिए जरा एक बार व्यू चेक करें आप जरा पीछे का, सामने अपने पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, थोड़ी देर बाद ना यहाँ पे सनसेट होने वाला है। ये आखिर हमारे देहरादून को हुआ क्या? चारों तरफ बस ट्रैफिक ही ट्रैफिक, ऊपर से सूरज देवता की भीषण गर्मी। ओ माय गॉड। बाकी दगड़ियों कैसे हैं आप लोग? गर्मियों के मजे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? भाई न जाने यार ये क्या नेचर है, मतलब सर्दियों में ना जब बहुत ज्यादा ठंड होती है तब लगता है यार गर्मियां बढ़िया होती हैं, अब जब गर्मियां आती हैं पसीने छूटते हैं तब लगता है यार सर्दियां बढ़िया होती हैं, मतलब इंसान ना यार सेटिस्फाइड नहीं जाता कभी भी। बाकी चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दगड़ियों स्वागत आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवल बग में। और ये ट्रैवल बग निकल चुका है टूवर्ड्स कनाताल, एंड आई एम वेरी श्योर आप में से बहुत सारे लोग कनाताल गए होंगे, मैं भी बहुत बार गया हूँ। लेकिन एक जगह है वहाँ पे जिसका नाम है कौदिया फॉरेस्ट, पता नहीं आप लोग को इसके बारे में पता है या नहीं पता है। तो एक रिजर्व फॉरेस्ट है जहाँ पे जंगल सफारी भी होती है, भाई ये भी लेटेस्ट न्यूज है मेरे लिए। तो आज उसी जगह हम लोग जा रहे हैं, तो चलिए फिर चलते हैं कनाताल। तो जी अभी मैं सुबह खोली पहुंचने वाला था और यहाँ पे ना एक बड़ी कमाल की चीज दिखी है मुझे। वहां पे नीचे ना मतलब खाई में एकदम वहां पे एक पतली सी पगडंडी है, वहां पे ना बारात जा रही है। मैं आप लोग को कैमरे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। इवन देखो यहाँ नीचे भी लोग खड़े हो रखे हैं, पता है, पता नहीं किसी गांव में जा रही होगी बारात। भाई साहब देख रहे हो भाई, ये सिर्फ आपको पहाड़ों में देखने को मिलेगा, इतनी खतरनाक जगह जहाँ पे देखो वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी कर रखी लोगों ने, और वहाँ से पैदल जाएंगे ये लोग कहीं गाँव में आगे, क्योंकि ढोल बाजे बज रहे हैं। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ डेट शादी होगी, हो सकता है कोई पूजा भी हो, बट जिस तरीके से लोग सज रखे हैं ना तो उससे तो ये देख के लग रहा है कि भाई शादी होगी, लेकिन गजब है भाई। लो जी बोर्ड आ चुका है धनौल्टी, इसका मतलब हम लोग पहुंच चुके हैं जी धनौल्टी। और मैं आप लोग को एक बात बताऊं भाई, देहरादून में ना पसीने छूट रहे थे, यहाँ पे ना ठंड से कब कभी निकल रही है, इतना ज्यादा प्यारा मौसम हो रखा है ना यहाँ पे, मैंने विंड चीटर पहनी है और फिर भी यहाँ पे ठंडा हो रहा है। बाकी ये आ गए हम लोग इको पार्क धनौल्टी में। ये देखो भाई यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे ये ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, ये देखो भाई कितना ज्यादा सुंदर लगता है ना, धूप छमती भी आ रही है देखो वहां से, ये लंबे लंबे पेड़ भाई एक नंबर, बहुत प्यारा लगता है, बहुत प्यारा। और जिस जगह के लिए हम लोग आ रखे हैं ना वहां पे भी सेम टू सेम ऐसे ही पेड़ हैं, पूरा मतलब पेड़ों से कवर्ड है वो जगह। हाँ तो जी आखिरकार काफी किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद करीब करीब 70 किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं देहरादून से, हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन जो कि है कौड़िया फॉरेस्ट। मैं दिखाता हूँ अभी आप लोग को, सामने लेफ्ट साइड आप लोग को जिप्सी दिखाई दे रही होंगी, तो यहाँ पे होती है जंगल सफारी जो कि हमको नहीं करनी है, हमको तो अपनी बाइक चलानी है इस ऑफ रोडिंग में। ये चेक करें गाइस आप, हो तो मैं आप लोग को बता दूं जो वहाँ जिप्सियाँ खड़ी थी ना तो आप लोग बुक कर सकते हो, 2000 मेरे ख्याल से होता है पूरी जिप्सी बुक करने का, एंड वो आप लोग को यहाँ पे टूर कराते हैं। बाकी देखो अपने पास तो बाइक है, अगर आप टू व्हीलर है तो वेर एंड गुड, बाकी आप ये पैदल कर सकते हो, लेकिन शायद ना फोर व्हीलर अलाउड नहीं है मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे पता है, बाकी आई एम नॉट श्योर, कोई आगे दिखेगा तो पूछ लेंगे, फिलहाल तो चलिए एंजॉय करते हैं इस ऑफ रोड को। ये देखो ना भाई पेड़ देखो जरा एक बार हमारे अगल बगल में, भाई साहब देख रहे हो है कि नहीं है, पैसा वसूल देगा। यहाँ पे अंदर स्टेज भी है, ओ द देवदार स्टेज, ओके वही लग रही है जगह बढ़िया नहीं है। ये भाई पेड़ देख रहा पीछे, ऐसा लग रहा पता नहीं कहाँ हो गए है ना।
भाई ये तो परफेक्ट जगह है ऑफरोडिंग करने के लिए। ये देखो भाई, ओए होए होए, मतलब कितना बढ़िया लग रहा है ना ये पेड़ों के पीछे बाइक चलाने में, अल्टीमेट फन भाई। अरे भाई साहब, पर ये बढ़िया लग रहा है यार भाई। यहाँ देखो हम एक बुग्याल दिखाए, पहला बुग्याल अपना, हाँ लग तो बढ़िया रहा है, ऐसी बात नहीं है, है ना, बड़ा तो है यार। अभी हम लोग ने जस्ट स्टार्ट ही किया था, करीब 200 मीटर भी हम लोग चले नहीं होंगे एंड फिलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं इस प्यारे से बुग्याल पे। मैं दिखाता हूँ अभी आप लोग को अच्छे से। ये चेक करें गाइस, आप ये चेक करें हमारी बाइक कहाँ पे लगी हुई है। और ये देखो भाई, ये है अपना कनाताल, ये देखो पूरा नीचे तक अपना बुग्याल है, देखो पूरा नीचे तक अपना बुग्याल है, वहाँ वहाँ तक देखो पूरा कोने कोने तक फैला हुआ है। बाकी पुनीत तो आगे चले गया, तो आगे और रास्ता जा रहा है। क्या सोचे ना, इसको देख के खुश नहीं होते, थोड़ा और आगे चलते हैं। 5 किलोमीटर लंबा ये ट्रेल है, तो पूरा कंप्लीट करते हैं। और अभी ना हम देखो इस जंगल से आए हैं, देखो इस पूरे घने जंगल से, कितना घना जंगल है देखो। अगर हमें कोई और आगे जगह नहीं मिली तो हम लोग यहीं पे आके अपना टाइम स्पेंड करेंगे, बढ़िया एकदम। बाकी चलते हैं, 5 किलोमीटर लंबा ये ट्रेल है भाई, लेकिन ऑफ रोडिंग करने के लिए तो जबरदस्त जगह है भाई। ओह ओके, यहाँ से जा रहा है रास्ता। मैं कोई जिप्सी भी यहीं से आती होंगी क्या, लग तो रहा नहीं यार, बट ठीक है, लेट्स गिव इट अ ट्राई, लेट्स गिव इट अ ट्राई। ओह माय गॉड भाई साहब, ये क्या है भाई, देख रहे हो पत्ते पुत्ते पड़े हुए हैं भाई। हम लोग ना आगे चले जा रहे हैं, कितना पतला हो गया रास्ता, यहाँ से तो बाइक भी नहीं मुड़ पाई है हमारी। भाई मैं क्या सोच रहा हूँ, रास्ता पतला होता जा रहा, ऐसा ना हो कि गाड़ी ना मुड़ पाए हमारी, है ना, देख रहा तू कितना पतला हो गया। तो भाई अभी हेलमेट वगैरह हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है एंड जरा ये देखो भाई कितने पतले पतले रास्ते हैं, और हम इस पतले रास्ते में ना इतने आगे आ गए ना, तो एक बार हम ड्रोन आ रहे हैं, ड्रोन से एक बार देख लेते हैं कि आगे कुछ है भी या नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि हम आगे चले गए यहाँ से, मतलब बाइक का मुड़ पाना ना इम्पॉसिबल है। सिर्फ यही जगह दिखाई दे रही है जहाँ से मुड़ सकती है, उसमें बहुत दिक्कत होने वाली है, बट ठीक है देखते हैं चलो क्या होता है। बट हाँ, बट काफ़ी पीसफुल जगह है यार ये, शायद ना ये पैदल ट्रेल है, हाँ ट्रैक हाइक कर सकते हो तुम यहाँ पे, बाइक्स के लिए मुश्किल है। बाकी थोड़ा आगे चक्कर देखते हैं। और ये ट्री देखो ना यार कितना बढ़िया लग रहा है ना, क्रिसमस ट्री, देवदार के पेड़। चलो भैया मुड़ गई बाइक भाई, बहुत गलत घुस गए थे, ये पैदल ट्रेल है, हम लोग बाइक लेके आ गए, वो तो अच्छा थोड़ी जगह मिल गई बाइक घुमाने के लिए, पर आप देख ही सकते हो देखो कितना पतला रास्ता है, लेकिन बड़ा सुंदर है यार, हाइक करने के लिए तो अल्टीमेट जगह है। आपको हाइकिंग पसंद है सो दिस कुड बी इट। वो देखो भाई चिड़ियाँ उड़ रही हैं, बढ़िया। वो ऊपर दिखाई दे रहा मुझे कुछ, ये पेड़ देखना, पेड़ कितने बड़े लग रहे। तो भाई हम आ चुके हैं वापस से उसी बुग्याल से जहाँ पे हमने स्टार्ट करा था, तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने बाइक्स लगा दी हैं। और सबसे बढ़िया ना मुझे इस जगह का लग रहा है ये पेड़ देखो, मतलब चारों तरफ इसके ग्राउंड है और बीच में अकेला पेड़ खड़ा हो रखा है, और वहाँ पे अपनी बाइक्स लगा रखी है, और हवा भी ना यहाँ पे बहुत जोरदार हवा चल रही है। और ये चेक करें गाइस आप, पूरे का पूरा एकदम प्यारा सा बुग्याल है। बाकी ठीक है, मैं क्या सोचता हूँ ना थोड़े ड्रोन शॉट्स वगैरह लेते हैं एंड वो दिखाता हूँ मैं आप लोग को। ड्रोन शॉट्स आप लोगों ने देख लिए होंगे, बाकी ज्यादा हम लोग ले नहीं पाए क्योंकि यहाँ पे ना हवा चल रही है बहुत जोरदार। मैं दिखाता हूँ आप लोग को, ये देखो आप लोग को पेड़ हिलते हुए नजर आ रहे होंगे, अभी तो कम, अभी तो थोड़ी हल्की हो गई, देखो अब फिर चलने लग गई, देखो
आपको आवाज भी आ रही होगी शायद। ड्रोन हमारा ना स्टेबल नहीं रह पा रहा था, ड्रोन यूं हिल रहा था, तो हमने ज्यादा रेस्ट नहीं लिया इसलिए हम लोगों ने जल्दी उतार दिया। बाकी देखिए जी यहाँ पे अपनी बाइक खड़ी है इस पेड़ के नीचे एंड यहाँ बैठे हैं हमारे पुनीत साहब। ये देखिए जरा एक बार व्यू चेक करें आप जरा पीछे का, सामने अपने पहाड़ दिखाई दे रहे हैं एंड थोड़ी देर बाद ना यहाँ पे सनसेट होने वाला है, लेकिन हम सनसेट तक रुकने का वेट नहीं करेंगे क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ पे हो रहा है बहुत ज्यादा ठंडा। क्यों पुनीत भाई? पुनीत भाई आ रहे हैं एकदम देहरादून वाले बन के, टी शर्ट पहन के और वहाँ इतनी गर्मी हो रही है। हाँ ऐसे ही होता है भाई, सर दर्द हो रहा है मेरा। पहाड़ों में ऐसे ही होता है भाई, चाहे देहरादून में कितनी भी गर्मी हो पहाड़ में लेके आओ भाई एक स्वेटर या फिर कुछ विंड चीटर टाइप तो एटलीस्ट, वरना फिर पुनीत जैसे हाल हो जाएंगे। और अभी तो दिन हमें दिन में ठंडा लग रहा था, अभी जाते हो तो अंधेरा हो जाएगा, अंधेरे में तो कुल्फी जमने वाली है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं सनसेट स्किप करके थोड़ा जल्दी यहाँ से निकले वरना भाई दिक्कत हो सकती है। बाकी ये थी अपनी जगह, कैसी लगी आप लोग को मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो जी हम हो चुके हैं रेडी वापस से घर की तरफ निकलने के लिए। बाकी ये थी हमारी जगह, सामने खड़ा है पुनीत जो कि ठंडे से आज हालत खराब होने वाली है जिसकी, एंड चलिए वापस से चलते हैं उन्हीं जंगलों की तरफ ऑफ रोडिंग मजे करते हुए। काश ये ट्रेल थोड़ा बड़ा होता ना भाई तो मज़ा आ जाता यार, थोड़ा छोटा था बट ठीक है, इट वॉज गुड। ये चेक करो भाई, फिर से आ चुके हैं हम लोग इस घने जंगल में। और ये आ गए हम लोग बाहर, हाय साहब। ओके तो अभी हम लोग देखो यहाँ से बाहर निकले एंड यहाँ पे ना पूरा का पूरा भाई मैप बना हुआ है, एग्जिट 3 एग्जिट 4 स्टार्टिंग में मैप लगा हुआ है जो हमने मिस कर दिया। अगर आप लोग आओगे ना तो इसको मिस मत करना, यहाँ से देख के आप लोग जा सकते हो एकदम बढ़िया करके। और वो देखो भाई लोग जो है ना आ रहे हैं जीप राइड करके, बढ़िया एकदम। जय माता की जय माता की। वो देखो भाई भगवान जी की डोली जा रही है। हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए, मतलब कि हम लोग घर से ही 2 बजे निकले ये सोच के कि ये जगह बहुत पास है, बट ये जगह ना देहरादून से 70 किलोमीटर दूर है जिसकी वजह से हम लोग को पहुंचने में काफ़ी टाइम लगा एंड हम लोगों पे टाइम का थोड़ा रिस्ट्रिक्शन हो गया। अदरवाइज़ मेरे ख्याल से ना यहाँ पे हाइकिंग और साइकिल भी रेंट पे कर सकते हो भाई, आप साइकिल रेंट पे करो और साइकिल चलाओ भाई, क्या बढ़िया चीज़ है भाई। बट आने लायक जगह थी यार, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि अंदर जाके ये सब है। तो ठीक है फिर फिलहाल चलिए चलते हैं वापस से घर की तरफ एंड रास्ते में अगर सनसेट दिखता है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दगड़ियों सनसेट तो मैं आप लोग को नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि सन हमारा सेट हो चुका है पहाड़ों के पीछे। तो मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि अब यहाँ से हमें सीधा घर ही जाना है। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।